हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर आवर हेल्थ डिजीज एंड प्रिवेंशंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए, और हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के डिजीज़ हो सकती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनके प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट्स क्या होंगे। फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। ये कैसी स्टेट होती है जिसमें आप कोई भी इंजरी या फिर इलनेस, मतलब आपके कोई बीमारी ना हो, ना ही आपको कोई इंजरी हुई हो, तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं हम हेल्थ। डिजीज़ क्या होती है? अ डिसऑर्डर्ड ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन अ ह्यूमन, एनिमल और प्लांट। एक ऐसा डिसऑर्डर्ड जो ह्यूमंस में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है और प्लांट्स में भी हो सकता है। जब किसी भी प्लांट, एनिमल या ह्यूमंस में डिजीज़ होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं और वो स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब या तो किसी बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करेंगे या फिर कुछ अलग से सिम्टम्स दिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिजीज़। डिजीज़ हमेशा दो ही तरीके से हो सकती है, या तो वो जेनेटिकल हो या फिर वो किसी इन्फेक्शन के थ्रू, बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रहा हो उसके थ्रू हो रही हो। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और अराइज। प्रिवेंशन हम ऐसे एक्शन को बोलते हैं जो किसी चीज़ को हैपनिंग होने या फिर बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिजीज़। डिजीज़ दो टाइप की होती है, जेनेटिक डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ में दो टाइप्स आते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ बाय बर्थ ही होती है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले से ही वो उसके अंदर आ जाती है। ये जनरेशन टू जनरेशन बीमारियाँ चलती रहती है, उन बीमारियों को हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़। इसमें क्रोमोसोम्स या फिर जीन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तब जेनेटिक डिजीज़ होती है। इसको सिंड्रोम भी कहा जाता है। सिंड्रोम क्या होता है? जब बीमारियों का पूरा ग्रुप एक किसी बॉडी पे अटैक करता है तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे जेनेटिक डिजीज़ में? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस वाले जो पेशेंट होते हैं उनको ग्रीन कलर और रेड कलर दिखाई नहीं देता है, वो उनमें कंफ्यूज होते हैं कि ये ग्रीन कलर है या रेड कलर है, इसलिए इनको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिया जाता। नेक्स्ट टाइप है एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, इन सबसे फैल सकती है। बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो उससे डिजीज़ जो होती है उसको एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, इन्फेक्टियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। इन्फेक्टेड डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकती है, लेकिन जो नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कांटेक्ट से नहीं फैलती हैं। तो फर्स्ट डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी भी कहते हैं। इसका पैथोजन क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम। ये माइकोबैक्टीरियम से फैलता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसकी फैमिली होती है माइकोबैक्टीरियम, ये उस फैमिली से आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैथोजन। पैथोजन उस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जिससे ये डिजीज़ फैलती है। और वेक्टर, वेक्टर मतलब इनके वाहक कौन हैं, ये किस किस के थ्रू फैल सकती है? ये एयर के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू फैल सकती है। इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है कम्युनिकेशन के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू। सिम्टम्स क्या होंगे? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ वेट, वेट का लॉस होना, वीकनेस होना, कंटिन्यूस कॉल्ड एंड कफ और कंटिन्यू कॉल्ड और कफ रहना, फीवर एट लो टेम्परेचर, चेस्ट पेन होना एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ होना। इफ़ेक्ट ऑन एलिमेंट्री कैनाल, बोन्स एंड लंग्स। और ये किस पे इफ़ेक्ट डालता है? एलिमेंट्री कैनाल, बोन्स और लंग्स पे। इसे हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों कहा है? क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो अगर वो खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कफ या स्नीजिंग के थ्रू दूसरे इंसान के पास चली जाती है और उसको भी वो डिजीज़ हो सकती है। इसमें टीबी के सिम्टम्स दिखा रखे हैं। फर्स्ट वीक में अ कफ दैट
लास्ट इज़ फॉर मोर देन 3 वीक्स, कफ रहता है इसमें 1 वीक से 2-3 वीक तक, नॉट वॉन्टिंग टू ईट, खाने की इच्छा नहीं होना. इफ़ यू हैव दीज सिम्टम्स गो एंड सी योर डॉक्टर. टू स्टॉप सिम्टम्स रिटर्निंग फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस एंड टेक ऑल द मेडिसिन दे गिव यू. टीबी इज क्यूरेबल विथ अ कोर्स ऑफ स्पेशल मेडिसिन. अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, फीलिंग अनयूजली टायर्ड और इल, फीवर एंड हैवी नाइट स्वीट्स, ये इसके सिम्टम्स हैं. अगर इस टाइप के सिम्टम्स किसी पर्सन में देखे जाते हैं तो उसको क्या क्या प्रिवेंशन रखने चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए. आइसोलेशन ऑफ टीबी पेशेंट, उसको आइसोलेट रहना चाहिए, मतलब अलग रहना चाहिए. कीपिंग हीज थिंग्स सेपरेट, उसको अपनी चीज़ें सेपरेट रखनी चाहिए. वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम पर उनको इंजेक्शंस लगाने चाहिए. प्रिवेंटिंग स्पिटिंग एट एनीवेयर, कवरिंग माउथ ड्यूरिंग कफिंग, कफ के टाइम मास्क को, माउथ को कवर रखना चाहिए. और इसके ट्रीटमेंट क्या हो जाएंगे, स्पिटम टेस्ट, टेस्ट एक्सरे एज द डॉक्टर सजेस्ट, बी अंडर द कंट्रोल ऑफ DOTS. इसकी वैक्सीन होती है BCG. नेक्स्ट डिजीज है कॉलेरा, जिसको हिंदी में हेजा कहा जाता है. इसका पैथोजन होता है बैक्टीरिया वाइब्रियो कॉलेरा. ये बैक्टीरिया से फैलता है, उस बैक्टीरिया फैमिली का नाम है वाइब्रियो कॉलेरी. इसके वेक्टर क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, कोई गंदा पानी या गंदा खाना खाने से ये फैलता है. इसके सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, फीवर, थ्रस्ट, ड्राइंग ऑफ टंग, जीभ सूख जाती है, मस्कुलर क्रैम्प्स, सिंकिंग ऑफ आइज, इन्फेक्शंस इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन. और ये डायरेक्ट इन्फेक्शन करते हैं स्टोमक और इंटेस्टाइन में. बॉडी वीक हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर देती है. इसमें लूज मोशन होते हैं, वॉमिटिंग होती है, गला सूख जाता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. एक्यूट डायरियल इलनेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन विद द बैक्टीरियम वाइब्रियो कॉलेरम. मेक वाटर सेफ, प्रिपेयर सेफ फूड, वॉश योर हैंड्स, कीप टॉयलेट्स क्लीन. इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिगेशन कंटेमिनेटेड वाटर और फूड. बैक्टीरिया एग्जिस्ट बॉडी थ्रू फेसेस. फेसेस कैन बी कॉन्टिजियस फॉर अप टू 14 डेज, और इससे एनुअल डेथ 1 लाख तक होती है. एनुअल इन्फेक्शन 3 to 5 मिलियंस होते हैं, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है. इसके सिम्टम्स होते हैं डिहाइड्रेशन, डायरिया, थ्रस्ट, स्किन इलास्टिकली लूज, मसल्स क्रैम्प्स, लो ब्लड प्रेशर, नाइजा, वॉमिटिंग, रैपिड हार्ट रेट और शॉक. इस डिजीज़ को रोकने के प्रिवेंशंस हैं पर्सनल हाइजीन एंड गुड हैबिट्स, ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन, मेंटेन डिस्टेंस विद द पेशेंट. और इसकी ट्रीटमेंट है यूज़ ऑफ ORS सॉल्यूशन, ORS का घोल पीना चाहिए एंड प्रॉपर मेडिसिन, और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए. नेक्स्ट डिजीज है टाइफाइड. इसका पैथोजन होता है बैक्टीरिया से फैलता है सेलेमोना टाइफी. इसके वेक्टर्स हो जाते हैं एयर और वाटर. ये एयर या वाटर के थ्रू बैक्टीरिया आता है और इन्फेक्शंस फैला देता है. इसके सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डेली ऑक्यूरेंस फीवर एंड हेडेक, बॉडी पेन, लो हार्ट बीट, रेड स्पॉट ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग, मस्क्यूलर एंड जॉइंट पेन, मसल्स और जॉइंट में पेन रहना, हार्ट बीट लो हो जाना, रेड स्पॉट्स होना स्किन पर और टंग पर. टाइफाइड वाले पेशेंट को फीवर चढ़ जाता है, उसके टंग पर वाइटनेस आ जाती है और क्रैम्प्स आ जाते हैं, और इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं, मतलब छाले हो जाते हैं, रेड स्पॉट बन जाते हैं स्क्रीन पे, रैशेस ऑन द बॉडी एंड लार्ज लीवर एंड स्प्लीन. लीवर और स्प्लीन की साइज बढ़ती जाती है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है. इसके प्रिवेंशंस होते हैं कीपिंग फूड एंड वाटर क्लीन, फूड और वाटर को क्लीन करना चाहिए. डिस्चार्ज ऑफ फीसेस अदर कंटेमिनेटेड थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम द फ्लाइज, मक्खियों से फूड को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. इसकी ट्रीटमेंट है फुल रेस्ट टू द पेशेंट ऑन फीवर, ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स, टेकिंग मेडिसिन अंडर द डॉक्टर सुपरविजन. और इसका टेस्ट होता है विडाल, WIDAL. नेक्स्ट डिजीज़ है पोलियो. इसका पैथोजन होता है वायरस, पोलियो वायरस. ये पोलियो वायरस से फैलता है. वेक्टर हो जाएंगे एयर और वाटर. एयर और वाटर के थ्रू ये फैल सकता है.
इसके सिम्टम्स होते हैं इफ़ेक्ट ऑन स्पिनल कॉर्ड, ब्रेन, लेग्स। ये इफ़ेक्ट करता है स्पिनल कॉर्ड पर, ब्रेन पर और लेग्स पर। फीवर चढ़ता है, कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ मसल्स, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो जाना, सिकुड़ जाना। डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव लिम्ब्स आर स्लो, हेडेक, वॉमिटिंग, पेन इन द नेक। इससे छोटे बच्चे भी जो 3 से 6 months to 3 years होते हैं वो भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। ये डिजीज़ डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इस डिजीज़ में हेडेक होता है, फीवर होता है, वॉमिटिंग, सॉर थ्रोट और फैटिग्यू। इसके प्रिवेंशन है पोलियो वैक्सीन। इससे बचने के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। इसका ट्रीटमेंट है ऑपरेशंस एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपी। अगर ज़्यादा पोलियो में क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, डॉक्टर्स या फिर फिजियोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ है रेबीज़, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसका पैथोजन होता है वायरस ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड डॉग, मंकी, फॉक्स, जकाल हुज सलाइवा कंटेंस रेबीज़ वायरस, जिसमें रेबीज़ वायरस होता है। चाहे वो कोई सा भी एनिमल्स हो, डॉग हो, मंकी हो, फॉक्स हो, उनकी सलाइवा से कंटिन्यू लार की तरह बहता रहता है, उससे ये फैलता है। इसके सिम्टम्स है हाई फीवर, हेडेक, रेस्टलेसनेस, ब्लॉकेज ऑफ थ्रॉट, हाइड्रोफोबिया। अगर किसी एनिमल के थ्रू किसी पर्सन को रेबीज़ हो जाता है तो उसको हाई फीवर हो जाता है, सिरदर्द रहने लग जाता है, रेस्टलेसनेस जैसी सिचुएशन आ जाती है। इससे बचने के लिए उसको क्या करना होता है, कंट्रोल ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स, वैक्सीनेशन ऑफ पैट एंड स्ट्रे एनिमल्स। जो पैट एनिमल्स है या फिर स्ट्रे एनिमल्स है उनको वैक्सीनेशन देना होता है, उनको इंजेक्शन देना होता है। इसका ट्रीटमेंट है कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स है उससे डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। वॉशिंग द इंजर्ड एरिया, अगर कहीं पे बाइट खाया है तो उस एरिया को वॉश करना चाहिए साबुन और पानी से। यूज़ ऑफ एंटी रेबीज इंजेक्शन और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए डॉक्टर के गाइडलाइंस में। नेक्स्ट डिजीज़ है चिकन पॉक्स, इसका पैथोजन होता है, ये वायरस से फैलता है, वेरिसेला जॉस्टर। वेक्टर क्या होंगे, एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये फैल सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं लाइट मीडियम फीवर, रेड स्पॉट्स ऑन स्किन, फैटिग्यू, हेडेक, ईचिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसकी प्रिवेंशंस होते हैं सेपरेटिंग द पेशेंट फ्रॉम अदर्स, कीपिंग हिज थिंग्स आइसोलेटेड। इसका ट्रीटमेंट होता है अप्लाइंग स्पेशल ऑनिमेंट्स, कोकोनट ऑयल ऑन द लेजिंस, यूजिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिंस। चिकन पॉक्स और मिजल्स में डिफरेंसेस होते हैं। चिकन पॉक्स में फीवर होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस और फैटिग्यू होता है, रेड स्पॉट्स होते हैं स्किन पर, चेस्ट पेन होता है, डिहाइड्रेशन होता है और इचिंग होती है। नेक्स्ट डिजीज है मिजल्स, मिजल्स खसरे को बोलते हैं। ये पैथोजन होता है वायरस से फैलता है, वायरस का नाम है पैरामैक्सिक। इसके वेक्टर होते हैं वाटर, सलाइवा, एयर, इनके थ्रू ये फैल सकता है। सिम्टम्स होंगे रेड रैशेज ऑन द बॉडी, बॉडी पर रेड रैशेज आ जाते हैं, ईचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन, डैमेज इंटेस्टाइन, वॉमिटिंग, ये सब इसकी सिम्टम्स है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइसोलेटिंग द पेशेंट, पेशेंट को अलग रखना चाहिए, कीपिंग द थिंग्स ऑफ द पेशेंट सेपरेटली, उसकी सारी जो चीज़ें हैं जो वो यूज़ कर रहा है उसको सेपरेट रखना चाहिए। ट्रीटमेंट हो जाएगा अप्लाइंग एंटीसेप्टिक क्रीम, यूजिंग मेडिसिंस अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर की गाइडेंस में एंटीसेप्टिक क्रीम जहाँ पर रेड स्पॉट्स या फिर रेड रैशेज हुए हैं वहाँ पर लगानी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है कॉल्ड, जिसको कॉमन कॉल्ड भी कहा जाता है। इसका पैथोजन होता है, ये वायरस से फैलता है, राइनो वायरस। इसके वेक्टर होंगे बाय एयर, ये एयर के थ्रू या फिर सलाइवा के थ्रू फैल सकता है। सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शंस इन द मस्कस मेम्ब्रेन, जो नाक की मस्कस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फेक्शन होता है, ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूबल्स, जो रेस्पिरेशन के लिए ट्यूबल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। नोज एंड थ्रोट, नोज एंड थ्रोट में गला सूखने लग जाता है, नोज सूखने लग जाता है, वाटरी डिस्चार्ज या फिर पानी बहना कंटिन्यू आँखों से और नोज से, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इसकी प्रिवेंशंस क्या हो जाएंगे, कवर माउथ वायर स्नीजिंग और कफिंग, जब कफिंग या फिर स्नीजिंग के टाइम माउथ को पूरा कवर रखना चाहिए और
क्लीन हैंकरशिप, हैंकरशिप का यूज़ करना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट है डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर के एडवाइस लेनी चाहिए। इंक्रीज इन इंटेक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी जिस जिन फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है उनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। टैकिंग स्टीम और गर्म भाप लेनी चाहिए, उससे जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सही हो जाता है, जिससे कॉल्ड कम होने लगता है। नेक्स्ट डिजीज़ है डायरिया एंड डाइसेनेट्री। इसका पैथोजन होता है बैक्टीरिया से फैलता है ई कोलाई। इसके वेक्टर होते हैं बाय टॉक्सिक फूड एंड वाटर, जहरीले खाने या फिर पानी से ये फैलता है। इसके सिम्टम्स हैं सेक्रेशन ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस विद द फीसेस, वॉमिटिंग, रिकरेंट इन्फेक्शंस इन इंटेस्टाइन, डिहाइड्रेशन, स्टोमैक, हेडेक, वीकनेस, इंटेंस थर्स्ट। इस डिजीज़ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वीकनेस आ जाती है, हेडेक रहता है, बॉडी पेन रहता है, स्टोमक एक, पेट में दर्द रहता है और उसके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस आ जाते हैं, वॉमिटिंग होती है। ये सब डायरिया के सिम्टम्स होते हैं। अब है प्रिवेंशन। कीप द टॉयलेट्स क्लीन, क्लीन रखना चाहिए टॉयलेट्स को। कीप द ईटेबल कवर्ड, जो भी ईटेबल फूड्स हैं उनको कवर करके रखना चाहिए। मेंटेन हाइजीन, हाइजीन रखना चाहिए। यूज़ बॉयल एंड फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर, और हमेशा पानी पीते टाइम वो पानी बॉयल किया हुआ होना चाहिए या फिर फिल्टर किया हुआ होना चाहिए। वॉश द फ्रूट्स विद द हॉट वाटर बिफोर यूज़, जो भी फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं उनको खाने से पहले गर्म पानी से धो लेना चाहिए। और पेशेंट को डायरेक्ट ऐसे खुले में वॉमिटिंग वगैरह नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, किसी और के कांटेक्ट में आने से वो इन्फेक्शन दूसरे में भी जा सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ है मलेरिया। इसका पैथोजन होता है प्रोटोजोआ से फैलता है और उस प्रोटोजोआ फैमिली का नाम है प्लाज्मोडियम। इसके वैक्टर होंगे बाय फीमेल एनाफेलाइज मॉस्किटो, जो हमें मच्छर काटते हैं वो फीमेल मॉस्किटो होते हैं और ये फीमेल एनाफेलाइज मॉस्किटो से फैलता है। इसके सिम्टम्स हैं फीवर विथ शिवरिंग, कपिल होती है, मतलब ठंड लगती है और फीवर चढ़ता है। फीवर एट रेगुलर इंटरवल्स, कुछ टाइम बाद बार बार फीवर चढ़ने लगता है, बॉडी एक बॉडी में दर्द रहने लग जाता है। इंटेंस थर्स्ट, प्यास लगती है, रेडनेस ऑन फेस, फेस पे रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग इन लीवर एंड स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन में स्वेलिंग आ जाती है, वीकनेस फील होती है। तो अगर ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उस पेशेंट को मलेरिया डिजीज़ होती है। इसके प्रिवेंशंस होंगे डोंट अलाउ वाटर टू स्टैंड नियर हाउसेज, अपने घर के आसपास पानी को भरा हुआ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। किलिंग ऑफ मॉस्किटोज, मच्छर मारने की दवा या फिर फॉगिंग यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट लगा के सोना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट है ब्लड टेस्ट, इस ब्लड टेस्ट होता है एंड टेकिंग मेडिसिन ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, और जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। मलेरिया ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हेडेक होने लगता है, सिस्टमेटिक फीवर होने जाता है, मसल्स वीक हो जाती है, मसल्स में पेन होने लग जाता है, बैक पेन होना लग जाता है, स्टोमक पेन होने लग जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और स्प्लीन और लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है, ड्राई कफ रहता है, स्किन में स्वीटिंग आ जाती है या फिर रैशेज आ जाते हैं, फीवर चढ़ता है, ये इसके सिम्टम्स होंगे। हमने डायरिया के बारे में पढ़ा कि डायरिया फूड पॉइजनिंग या वाटर पॉइजनिंग से फैल जाता है या फिर स्टोमक फ्लू से फैल सकता है। जो क्रॉनिक डायरिया है वो सीलिक डिजीज़, जो गेहूं में डिजीज़ हो जाती है, उससे भी फैल सकता है। और हमने पढ़ा कि चिकन पॉक्स और मीज़ल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। चिकन पॉक्स में फीवर होता है, मीज़ल्स में भी फीवर होता है, लेकिन मीज़ल्स में रेड ब्लॉची रैशेज होते हैं, सबसे पहले फॉरहेड पे रैशेज आना स्टार्ट होते हैं, और चिकन पॉक्स में पूरी बॉडी पे रैशेज होते हैं, रेड स्पॉट्स होते हैं, और मीज़ल्स में कफ रहता है, रनी नोज रहता है। हमने पोलियो के बारे में पढ़ा कि पोलियो जो डिज़ीज़ है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, इसमें हेडेक होता है, फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है, गला सूखने लगता है, थकान रहती है, और इससे बचने के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। ये मोस्टली सिक्स टू थ्री ईयर्स जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादातर फैलता है। और हमने कॉलरा के बारे में पढ़ा कि कॉलरा वाले पेशेंट को डिहाइड्रेशन फील होता है, वॉमिटिंग होती है, शॉक लग जाता है, रैपिड हार्ट बीट जो है वो रैपिडली चलती है,
कभी कम कभी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और हमने रेबीज़ के बारे में पढ़ा कि अगर कोई रेबीज़ वायरस जिसमें डॉग में या कोई एनिमल में है, अगर वह काट जाता है तो फीवर चढ़ता है, सॉर थ्रोट, गला सूखने लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, बर्निंग पैन होने लग जाता है। तो हमें डायरेक्ट क्या करना चाहिए, उस इन्फेक्टेड एरिया को पानी और साबुन से धोना चाहिए और डॉक्टर के एडवाइजरी में इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और हमने टीबी के बारे में पढ़ा कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलती है, इसमें स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, फीवर चढ़ता है और एकदम से पसीने आने लग जाना या फिर वेट लॉस होना, फीलिंग अनयूजली टायर्ड और इल, बीमार सा महसूस करना। टीबी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ जाती है। हमें डॉक्टर के एडवाइस से मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेनी चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। आज की क्लास में हमने बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग।